श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे अजवाइन के फायदे। क्या अजवाइन खाने से क्या फायदे होते हैं? हिचकी, जी मितलाना, ढकार, बदहजमी आदि में गुणकारी होता है। पेट खराब होने पर इसे एक कप गर्म पानी के साथ पिएं। ठंड लगने पर थोड़ी सी अजवाइन को अच्छी तरह से चबाएं। मुंह की दुर्गंध के लिए अजवाइन को पानी में उबाल कर पिएं। अभी मैं आपको डिटेल्स में इसके सारे जो फायदे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। भारतीय खान पान में अजवाइन का प्रयोग सदियों से होता चला आया है। आयुर्वेद के अनुसार अजवाइन पाचन को दुरुस्त रखती है। यह कफ, पेट तथा छाती का दर्द और कृमि रोग में फायदेमंद होता है। साथ ही हिचकी, जी मिचलाना, ढकार, बदहजमी, मूत्र का रुकना तथा पथरी जैसी बीमारियों में लाभप्रद होता है। अभी आयुर्वेद के अनुसार अजवाइन पाचक, रुचिकर, तीक्ष्ण, गरम, चटपटी, कड़वी और पीत वर्धक होती है। पाचक औषधियों में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अकेली अजवाइन ही सैकड़ों प्रकार के अन्न को पचाने वाली होती है। तो ये हमको अजवाइन के स्वास्थ्य लाभ के बारे में हम कुछ जानकारी आपको देते हैं। सर्वप्रथम सर्दी जुकाम में बंद नाक या सर्दी जुकाम होने पर अजवाइन को दरदरा कूटकर महीन कपड़े में बांधकर सूंघें। सूंघना है इसको। सर्दी में ठंड लगने पर थोड़ी सी अजवाइन को अच्छी तरह से चबाएं और चबाने के बाद पानी के साथ निगल लें। ठंड से राहत मिलेगी। अगर आपका पेट खराब है तो पेट खराब होने पर अजवाइन को चबा कर खाएं और एक कप गर्म पानी पीजिए। पेट में कीड़े हैं तो काले नमक के साथ अजवाइन खाएं। लीवर से परेशानी है तो 3 ग्राम अजवाइन और 1/2 ग्राम नमक भोजन के बाद लेने से काफी लाभ होगा आपको। पाचन तंत्र में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर मट्ठे के साथ अजवाइन ले, आपको आराम मिलेगा। अगर आपको वजन कम करना है तो अजवाइन मोटापे कम करने में भी उपयोगी होता है। रात में एक चम्मच अजवाइन के साथ 1 ग्लास पानी में भिगो दें। सुबह छानकर 1 चम्मच शहद के साथ मिलाकर पीने से आपको लाभ होगा, आपका वजन कम होगा। इसके नियमित सेवन से मोटापा 100% कम होता है। उसके बाद अगर आपके मसूड़ों में सूजन है तो मसूड़ों में सूजन होने पर अजवाइन के तेल की कुछ बूंदे को गुनगुने पानी में डालकर कुल्ला करने से सूजन कम होती है। सरसों के तेल में अजवाइन डालकर गर्म करें। इसमें जोड़ों की मालिश करने पर दर्द से आपको आराम मिलेगा। फिर अगर आपके मुंह से दुर्गंध आ रही है तो मुंह से दुर्गंध आने पर थोड़ी सी अजवाइन को पानी में उबाल लें। इस पानी से दिन में 2 से 3 बार कुल्ला करने पर मुंह की जो दुर्गंध है वो आपकी समाप्त हो जाएगी। फिर अगर आपको खांसी हो रही है तो अजवाइन के रस में 2 चुटकी काला नमक मिलाकर उसका सेवन करें और उसके बाद गर्म पानी पी लें। इससे आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। आप काली खांसी से परेशान हैं तो जंगली अजवाइन के रस को सिरका और शहद के साथ मिलाकर दिन में 2-3 बार 1-1 चम्मच पीजिए, आपको काफी राहत मिलेगी। इसके अलावा भी अजवाइन कई तरह के अन्य रोगों में भी कारगर औषधि है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।